अमेरिका ने जैश कैंप पर भारत की एयर स्ट्राइक का किया समर्थन। डोभाल ने की फोन पर बात। सीमा पर भारत और पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल NSA अजीत दावल ने बुधवार रात अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो से फोन पर बातचीत की। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अजीत डोभाल को बताया कि अमेरिका भारत के पाकिस्तानी जमीन पर किए गए जैश ए मोहम्मद आतंकी कैंप के शिविरों पर हवाई हमले का समर्थन करता है। लिव अपडेट्स। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय क्षेत्र में घुसकर आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन सजग भारतीय वायुसेना ने पलटवार करते हुए न केवल उन्हें चंद मिनटों में खदेड़ दिया बल्कि उसके एक लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। हालांकि कार्यवाही में भारत का भी एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया और पायलट को पाक ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी पनाहगाह को जमी दोंच करने की वायुसेना की कार्यवाही के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय क्षेत्र में घुसकर हमें आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन सजग भारतीय वायुसेना ने पलटवार करते हुए न केवल उन्हें चंद मिनटों में खदेड़ दिया बल्कि उसके एक लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। हालांकि कार्यवाही में भारत का भी एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया और पायलट को पाक ने हिरासत में ले लिया है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वे आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह और उनका वित्त पोषण बंद करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अमेरिका का यह बयान तब आया जब बुधवार को भारत ने पुलवामा आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद JEM के शामिल होने के बारे में विशिष्ट विवरण संबंधी एक डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन के कई ठिकाने पाकिस्तान में होने की भी पुष्टि की गई है।